प्रदेश के कई जिले बेतहाशा बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा के 30 घाट डूब चुके हैं। नमो घाट पर गंगा नदी की तेज लहरें डरा रही हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। 80 घाट की पुराने आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। वाराणसी में गंगा के खतरे का निशान 71.2 मीटर है। पानी का लेवल फिलहाल 62.2 मीटर पर है, लेकिन गंगा में उठती लहरों के चलते छोटी नावों के नदी में चलने पर पाबंदी जारी है और मल्लाह परेशान है। यहाँ पे तो अभी एक हफ्ते से यहाँ पे खड़ी है, परेशानी हो रही होगी। छोटे नाव के चलने पर रोक लगा दी गई, तो उसके चलते क्या नुकसान हुआ? उसके चलते बस यही नुकसान, हम लोग खाना नहीं पा रहे, इसलिए एक जगह डब्बे में लगा कर पानी ठंडा पानी बेच रहे। यूपी के बाकी जिलों में भी हालात एक जैसे ही है। सिद्धार्थनगर से लेकर गोरखपुर तक के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे बने गोरक्षनाथ घाट पर बाढ़ आने से लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी बेचने वालों का अपना दर्द है। पानी तो बहुत ज्यादा था, बहुत लकड़ियां बह गई, कुछ ढेर नुकसान हो गए। अभी कोई फायदा नहीं मिला, अभी भी नहीं कोई न बाढ़ एरिया का सामान कोई चीज मिला, कुछ भी नहीं फायदा हुआ। यूपी के करीब 20 जिलों में बाढ़ का कहर है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। सहारनपुर में घंटे भर की बारिश ने सरकारी महकमों की पोल खोल दी। यूपी के कई जिले जहां बारिश और बाढ़ से परेशान है, तो दूसरी ओर कई जगह सूखे जैसे हालात हैं। अंबेडकर नगर को तो सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग कर दी गई है। यूपी नहीं बल्कि एमपी, राजस्थान, गुजरात समेत देश के करीब 20 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीरें तो आपको हैरान कर देगी। ये जो समंदर सा नजर आ रहा है, ये सड़क है। ठाणे जिले के कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ समेत सभी इलाकों का ऐसा ही हाल है। 12 से ज्यादा घंटे तक जोरदार बारिश हुई, निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रही। ठाणे के पड़ोस मुंबई की बादलों के आगे बेबसी थम नहीं रही है। नवी मुंबई में ठाणे के भीतर तक पानी पहुंच गया। पानी भर जाने से कामकाज ठप हो गया। वहीं भांडुप में जोरदार बारिश में मोबाइल टावर घरों पर गिर गया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गुजरात में आसमान से बूंदे आफत बनकर बरस रही है। राजकोट में 3 घंटों में ही 12 इंच बारिश हो गई, जिससे कई गाँव में बाढ़ का खतरा हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सावन की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ हुई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 2 घंटे की बारिश ने कई बस्तियों को तालाब में तब्दील कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में अमरगढ़ वाटरफॉल में भोपाल से पिकनिक मनाने आए लोग तेज बारिश की वजह से फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। रही बात पहाड़ों की, तो उत्तराखंड में हफ्ते भर से बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देहरादून में सुबह से जबरदस्त बारिश होती रही, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। कई जगह तो सड़क पर नदी जैसे हालात दिखे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हमारे देश में बाढ़ बारिश से 1500 से ज्यादा जाने जाती हैं, जबकि 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। चीन में बारिश से भारी तबाही हुई है। शांगलुओ सिटी, सिचुआन और हानवान जैसे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, घर बह गए और पुल ध्वस्त हो गया। चीन में बारिश से हुई तबाही की कहानी ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में चीन के शांक्सी प्रांत में पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। पुल ध्वस्त होने से 17 कारें और 8 ट्रक जिंकियान नदी में गिर गए। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नदी में बहे लोगों की तलाश में 700 से ज्यादा राहत कर्मी जुटे हुए हैं। ड्रोन से भी लापता लोगों की खोज की जा रही है। सिचुआन प्रांत में अचानक आई बाढ़ में 30 से ज्यादा लोग बह गए। हनुमान काउंटी में बाढ़ से 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए। बाढ़ से उत्तर पश्चिम चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कांग काउंटी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ABP News, आपको रखे आगे।